मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को एक नसीहत दी गई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सतर्कता से बोलने की अपील की है। आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बयान देते समय और ज्यादा सतर्क रहने को कहा है। 1 मार्च को जारी परामर्श में आयोग ने चेतावनी दी थी कि दल उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए सिर्फ नैतिक निंदा की बजाय कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दरअसल नवंबर 2023 में राहुल ने एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। राहुल ने राजस्थान के बाड़मेर में और उदयपुर में चुनावी सभा में कहा था, पीएम मतलब पनौती मोदी, अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ये अलग बात है कि हरवा दिया। राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तमाम चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मानहानि केस में 24 मार्च 2023 को सूरत की कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को राहुल के दोष सिद्ध होने पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकी। चुनाव आयोग ने अपनी चेतावनी में कहा है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिल चुके हैं, उन्हें बार बार आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता की ओर से प्रधानमंत्री के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस पर आयोग ने पिछले साल गांधी को नोटिस जारी किया था। मतलब साफ है कि राहुल को एक बार पहले भी चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है। ऐसे में दोबारा ऐसा कोई बयान सामने आने पर चुनाव आयोग की माने तो कड़ी कार्रवाई का सामना राहुल गांधी को करना पड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को आयोग से इन टिप्पणियों के लिए गांधी को जारी किए गए नोटिस पर फैसला करने के लिए भी कहा था, जिसमें कहा गया था कि नवंबर 2023 में दिए गए एक भाषण के दौरान कांग्रेस नेता द्वारा दिया गया बयान नॉट इन गुड टेस्ट था, मतलब कि अरुचिकर था। सूत्रों ने बताया कि अदालत के निर्देश को देखते हुए आयोग ने राहुल गांधी से भविष्य में उनसे सार्वजनिक बयानों में अधिक सावधान रहने को कहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।